बंदा भाई घूम घूम के देख रहा है कहाँ कैसे कहाँ देख रहे थे भाई। स्प्लेंडर ये मॉडिफाई करा रखे हैं, स्प्लेंडर करा रखे हैं भाई, मॉडिफाई सब कुछ ही बदलवा रखा ना भाई। नहीं आप लोगों को मेल करूंगा, आप लोग वो करे नहीं कर रखो, रुक रुक अरे सही में रखो, नहीं नहीं आप रखो। राइड विद एसडीएम सो ऑलराइट बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है नया दिन, नया अपॉर्चुनिटी और नया लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका। तो आज है फिलहाल संडे और दोबारा से भाई जा रहा हूँ वो रैपिडो वगैरह के व्लॉग्स करने, देखते हैं क्या मिलेगा दिन में आज। मेरे को कुछ नहीं पता, फ्यूचर इज डायनेमिक, तो भाई भविष्य देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा फिलहाल मैं जा रहा हूँ कॉलेज की साइड जहाँ पर जो है स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं संडे आज, तो देखते अगर उधर राइड मिली तो। वैसे अभी कॉलेज यहाँ से लगभग अराउंड 8 किलोमीटर तो हो गई मेरे अंदाजे से, 8 किलोमीटर होगा, 8 से 10 किलोमीटर। और वैसे मैंने रैपिडो की आईडी अभी ऑफ़ की हुई है, अभी ऑन करूँगा उसको, फ़ोन को जो है लॉगिन करूँगा। अगर 8 किलोमीटर के बीच ही कॉलेज तक जाने की कोई राइड आती है तो मैं उसको जो है एक्सेप्ट कर लूँगा भाई, देखेंगे जो भी होगा। और बाकी आज मज़ा आ रहा भाई, बाइक तुम्हारा भाई जो है चमका के लाया बिल्कुल, एक एक डस्ट पार्टिकल बिल्कुल हटा के बिल्कुल पॉलिश वॉलिश करके मस्त चमका के लाया भाई तुम्हारा भाई बाइक। और जब शाबाश बेटा, बाइक साफ हो ना भाई, बाइक साफ हो, चेन क्लीन हो, तो चलाने का मज़ा ऐसा आता है मतलब कि बिल्कुल मक्खन। और अभी मक्खन ही लग रही है भाई बाइक चलाने में। और वैसे मैं बहुत ही जल्दी ये शीशे बदलने वाला हूँ, जो स्टॉक शीशे वही लगाऊंगा क्योंकि इनसे दिल भर गया है, काफ़ी पुराने हो गए हैं। अब जब बैक टू ओल्ड लुक, वापस ओल्ड लुक में आऊँगा, पुराने जो है ओरिजिनल वही लगाऊँगा। तो फिलहाल मैं राइड रैपिडो की राइड ऑन कर लेता हूँ यार, राइड मतलब कि यार मैं 7-8 किलोमीटर आ गया और अब तक ना एक ही राइड आई है यार, 7-8 किलोमीटर में एक ही राइड आई है, पर वो मैंने कैंसिल कर दिया यार किसी वजह से। समझ रहे हो ना दोस्तों, करते करते भाई कॉलेज आ गया, चला एक ही राइड आई है जब तक, इतना बुरा दिन चल रहा है मतलब पिछला हफ्ता भी बेकार गया भाई, पिछले हफ्ते भी संडे को भाई आया था मैं ब्लॉग के लिए, कोई भी राइड नहीं आई, कोई भी एक दो आई थी, और आज भी ऐसी सीन हो रहा है सेम। इतनी बेकार किस्मत यार, कैसे हो सकती है हमारी, कमाल है भाई सही में कमाल है। आज तो भीड़ भाड़ भी है कॉलेज वॉलेज की, सब चीज़ों की भीड़ है, लेकिन जो है राइड की भीड़ नहीं है भाई। One hour later. दोस्तों 20-25 मिनट बाद वेट करने के बाद जो अब राइड आई है, एक फटाफट से बाइक खींच देता हूँ भाई। रवि गलत आ गया मैं। सो भाई गलत बंदे के पास मैं दूसरे का चिपक गया क्योंकि लोकेशन खत्म हो रही है यहीं पे। चले भैया रवि ओके भैया, थैंक यू। नहीं आप रखो, मेरी तरफ से आपको नहीं भैया, नहीं वो करे नहीं, अरे सही में रखो, नहीं नहीं आप रखो, वो बाइट ऑफ हैप्पीनेस है, वो सबके लिए है। अरे अब मैं अच्छे लगे आप और बोलो बाइट ऑफ हैप्पीनेस। चलो बढ़िया, चलो ओके भैया ओके। सो गाइस भैया ने चॉकलेट तो ली है नहीं वैसे, ठीक है चॉकलेट तो ली है नहीं, उन्होंने वापस दे दी मेरे को, मैं कहा भाई चल कोई बात नहीं। और वैसे भी यार वो हेल्थ कॉन्शियस बंदे थे, मास्क मुँह से लगा रखा था इतनी गर्मी में, तो भाई सबको पता है ऐसा बंदा बाहर की चीज़ें जल्दी लेता नहीं है, छूता नहीं है। पर वो बोल रहे यार ये बाइक लेके घूम रही है तो गलियों में मत घूमो, गुड़गांव लेके जाओ। वैसे सही बोला यार उन्होंने, गुड़गांव लेके जाओ, पर यार ये अपना प्रोफेशन नहीं है ना, रैपिडो चलाना अपना प्रोफेशन नहीं है भाई, वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट टाइम पास और आप लोगों के लिए हो जाता है जो भी हो जाता है, बाकी ये जो मेरा इनकम का सोर्स नहीं है रैपिडो। राइड विद एसडीएम, राइड विद
वो भाई बंदे इतने ऊपर ऊपर से चिल्ला रहे भाई, ऊपर ऊपर से चिल्ला के पूछ रहे चैनल का नाम क्या है इतनी दूर से। क्या बात है भाई, बंदों का देखो यार, वैसे वो लेबर का काम करता है लेकिन फिर भी बाइक पहचान ली भाई, MT15। क्या बात है, क्या बात है ऐसी भाई। A few minutes later. So guys, अभी एक भाई तीसरी राइड आई है, घर से थोड़ी सी दूर है, मेरे घर की लोकेशन से थोड़ी सी दूर है, मतलब कि इनको छोड़ के जो है मैं अपने घर निकल जाऊंगा भाई। बढ़िया। हेलो भाई, लोकेशन पे खड़ा हूँ, अपने सामने देखो, इधर इधर अपने सामने देखो, पीछे मत देखो भाई, इधर बंदा भाई घूम घूम के देख रहा है कहाँ कैसे, कहाँ देख रहे थे भाई? स्प्लेंडर ये मॉडिफाई करा रखे हैं। क्यों, बढ़िया नहीं लग रही क्या? सही लग रही है। बुलाड़ी चलना है ना, रास्ता बताओगे मैप से चलूं? यूटर्न लेना था क्या? अरे मैं उधर गुजरता भाई, वो लगा लियो यार हेलमेट, चलान हो जाएगा। पापा की परी जा रही है भाई उड़ती हुई। एक बात तो भाई मैंने नोटिस करी है, पापा की परी आना भाई इतनी स्पीड में चलाती है व्हीकल्स, व्हीकल्स क्या स्कूटी ही चलाती है भाई, इतनी स्पीड में चलाती है भाई, मतलब इतनी तो आदमी भी आदमी नहीं चलाता। एक बार जो है मैं जा रहा था हाईवे से, भाई लड़की लड़की का जो पिछले भाई स्कूटी का टायर पंचर हो रहा था, बाइक जो इधर से इधर रोड पे इधर से इधर राइट से लेफ्ट लेफ्ट से लाइट जा रही थी, तो मैंने देखा, मैंने उसको बोला, इस मेरे को लगा भाई उसको पता नहीं होगा, पर उसको पता था जब बाइक स्कूटी इधर से उधर जाएगी, तो मैं उनको इशारा किया, मैं कहा मैडम आपका जो पंचर हो रहा है, उसने कहा हाँ ठीक है ठीक है, और क्या कहा भाई चलती रही कम से कम 50-60 की स्पीड में चल रही, मतलब कि मेरी बाइक पकड़ नहीं पा रही उसको, इतनी तेज स्पीड में चल रही है खतरों के खिलाड़ी पापा की परी। भाई देख लो एक भी जगह लड़की ने पैर नहीं टेका, इतने टूटे फूटे रोड चल रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, पर भाई एक भी जगह लड़की ने पैर नहीं टेका, प्रो राइडर है, प्रो राइडर। तो दोस्तों भाई अभी पीछे जो है कुत्ता बच गया, कुत्ते के ऊपर चढ़ जाती, पिल्ला था रोड पे, पता नहीं खड़ा था आराम से, तो मैं थोड़ा सा थोड़ी सी स्पीड से निकल रहा था, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, और वो भाई मेरे को देख के टायर के सामने ही आ गया भाई, स्लिप विलिप करी बाइक, बाकी गिरा नहीं मैं, ना ही उसके ऊपर लगी चोट। और वैसे मैंने 3 राइड ले लिए, 3 के बाद जो है मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि वो राइड लेनी नहीं है, क्योंकि आज मज़ा नहीं आ रहा राइड लेने में ना, बहुत लेट सेट आ रही है लाइट, बहुत लेट सेट, तो कुछ फ़ायदा भी नहीं हो। जो तीसरी राइड है जो मेरे घर इसके आसपास ही, मतलब 3-4 किलोमीटर के दायरे में थी, तो अब मैं यहाँ से डायरेक्टली घर जा रहा हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और आप देखते रहोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।